जी आयानू जी, सारा कैनेडा दे विच वेलकम जी। की हाल चाल है? उम्मीद करनी है तुसी ठीक ही होवोगे। ते अज मैं तुहानू लैके आई हाँ जी पार्लीमेंट हिल च, है तुहानू किहड़ियां सैरां करानियां। तुसी ना प्लीज़ जिहड़ा ना मेरी वीडियो नू लाइक करिया करो, सबसक्राइब भी करिया करो प्लीज़, ताकि आने वाली जिहड़ी ना वक्त च तुहानू नवी नवी वीडियो जिहड़ियां ना नज़र आन लग पण, मेरियां मैं दिखाई देन या वीडियो तुहाडे कोल आ जाण, है कुछ भी तुसी समझ लो। तो तुहाडा जो दिल करदा ना तुसी उस तरह ही समझ लो। तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए ना मेरे कोल, तो प्लीज़ मैं ना फिर माफ़ी मांगनी आ, सॉरी करनी आ, है माफ़ कर दिया करो। क्योंकि एक तो मैं साह भी नहीं लैंदी, वो मैं तुसी भी कहिंदे हो कि एक तो साह भी नहीं लैंदी है ना, बोलती जाती है बोलती जाती है, तो की करिए। तुहाडे नाल प्यार ही बहुत है, तुहाडे प्यार नाल ही मैं तक इत्थे आई हूँ, तो तुहाडे प्यार नाल मैं अगे भी जाना है। तो हुण सुनो तुसी पार्लीमेंट हिल दीआं गल्लां, है अच्छा जी। पार्लीमेंट हिल की है? पार्लीमेंट हिल जेड़ा ना हिस्ट्रिकल प्लेस है, और यहाँ लोग जो है ना वो दूर दूर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है ऑटवा के अंदर, और ये रिरो स्ट्रीट के ऊपर है। रिरो स्ट्रीट की कह लो कि मेन ना, आप अगर मॉल में आते हैं ना तो मॉल से आपको ये सामने सारा दिखाई देगा। ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना इसी जगह पर है, मेन यही जगह है देखने वाली, बहुत खूबसूरत है। ये रिवर के ऊपर बनाई गई हुई है, नीचे रिवर ऊपर हिल बनाया गया है, और हिल के ऊपर ये पार्लीमेंट जो है ना वो बनाया गया हुआ है। अगर हम लोग जब ऊपर, ये जैसे ऊपर आए हुए ना हम लोग, नीचे जब दिखा सॉरी देखते हैं ना, तो इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। आपको ब्रिज नज़र आएगा, आपको रिवर नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत है। और ऊपर से मौसम भी इन्ना खूबसूरत होन डिया सी, ठंडी हवा चलन डई सी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हल्की हल्की होन डई सी, तो बहुत ही खूबसूरत लगन डिया सी ना। तो यहाँ लोग जो है ना वो जब मर्ज़ी आ सकते हैं, ये नहीं कि ये टाइमिंग है ये नहीं टाइमिंग है, नहीं, आप जब जब आपका दिल चाहे आप इस आके इसको विज़िट कर सकते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि ये आई थिंक सो जहाँ तक मैंने पढ़ा है पीछे में, लेकिन मुझे अब अगर मेरे मैं अगर ठीक आई थिंक सो यही है 1859 से और 1865 तक ये बना था आई थिंक सो। और ये तीन बिल्डिंग्स हैं, इसको कहा जाता है जी वेस्ट बिल्डिंग, ईस्ट बिल्डिंग और सेंट्रल बिल्डिंग, ये तीन बिल्डिंग हैं, ठीक है। यहाँ फायरवर्क बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर फैसले होते हैं, जिस तरह से घर जी लड़ी दा ना है ना, तो साड़ी माँ जी है ना वो फिर सही फैसला वो करती है। इस तरह भाई याद करा छड़े हैं वो पुराने वक्त जी की, बचपना याद आ गया सच्ची बई। वेखो तुसी हैं भैन भरा जदों लड़ते ने, फिर माँ आती है, फिर उन मीन समझाती है, प्यार हुंदा, वो चीज़ा ना हुण नहीं रह गई, हुण ना बच्चों च रह गई ने, ना मावां च हुण चीज़ा रह गई ने, सारे अपने अपने सी बिजी हो गए हैं। चलो कोई नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं है, की करिए फिर, है कनेडा है ना, नाले की कर सकते हो तुसी। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ साथ में कि ये ना इसकी दूसरी साइड पर ही आर्मी साइड इन्होंने बनाई हुई है। तो इतने यह जो बंदा सी ना खलोता सी, पहले तो चुप करके खलोता सी, जो ही इन्हें पैर मारिया बोलना शुरू खाना मेरा तो त्रा ही गया। मैं क्या तू तो सानू सीधे तो दिल्ली सुटेगा, अगे गोडिया पैरों तू असी रही हूँ, तू और मारेगा सानू, है